Hi everyone, Good गुड Welcome वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो कैसे हैं आप सभी होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ सुबह का टाइम है अभी और आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से हो रहा है साढ़े नौ का टाइम हो रहा है दिन है आज मंगलवार का आज सुबह साढ़े छः बजे के करीब मैं उठी और मोस्टली क्या होता है कि साढ़े पाँच बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ और मैं उतने टाइम तक उठ जाती हूँ लेकिन आज आंख नहीं खुली और थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में फटाफट उठी और उसके बाद में ना सबसे पहले अयन का लंच तैयार करके दिया तो आज उसे लंच में ना दिया था मैंने छोला और साथ में दिया था पराठा तो मैंने उसे पूछा था कि तुम पूड़ी लेके जाओगे क्या क्योंकि छोला और पूड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और डेली डेली अगर आप बच्चों को एक जैसी चीज़ लंच बॉक्स में देते हैं ना तो फिर उनका खाने का भी मन नहीं करता है तो मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी ठंडी पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी पराठा ही बना दो तो फिर मैंने उसे पराठा दे दिया था और फिर सारा घर का काम ख़त्म किया उसके जाने के बाद में और उसके बाद में फिर आ गई थी किचन में पूजा वूजा करके और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था जवे नमकीन वाली क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बीच में हम लोग बाहर चले गए थे जब अभी आयन के वेकेशन्स थे तब और इस बीच ना जब घर में रहते हैं ना तो अपनी पसंद की चीज़ें बन जाती है लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमें औरों की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है तो बस इतने दिनों से खाया नहीं था तो सोचा चलो अभी जो है ना जब ये बना लेते और अयन को ये कम पसंद है उतना पसंद नहीं आता है और वो स्कूल जा चुका था अभी तो उसके लिए नहीं बनाना था सिर्फ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए ही बनाना तो फिर मैंने वही बना लिया तो उसके बाद ना नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैंने अनार छीला था और वो दाने में आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि अभी अनार बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं हालांकि मुझे ना अनार बहुत पसंद है तो हस्बैंड जब भी जाते हैं ना मार्केट तो कोई भी फल लेके आए चाहे नहीं लाए एक चीकू और दूसरा अनार वो ज़रूर लेकर के आते हैं तो मैंने उनको मना भी किया कि आप क्यों लाए क्योंकि अभी शायद सीजन नहीं है अनार का थोड़े टाइम रुक के ना अनार अच्छे आएंगे दाने अच्छे रहते हैं ना तो फिर वो मीठे भी लगते हैं खाने में नहीं तो फिर फीके फीके से लगते हैं तो नाश्ता करने के बाद मैंने तुरंत जो भी बर्तन थे वो सारे साफ करके रख दिए और किचन को कर दिया अच्छी से क्लीन क्योंकि दोपहर में अभी लंच बनाना है तो मैं दिन में दो तीन बार तो गैस स्टोव को काउंटर टॉप को साफ कर ही लेती हूँ इससे क्या होता है कि ज़्यादा जल्दी आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है चीज़ें अगर टाइम टाइम पर क्लीन होती रहे तो और अगर आप ऐसे ही गंदा छोड़ देंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी चीज़ें गंदी दिखाई देगी तो ये काम भी हो चुका था और फिर मैंने सारी सब्जियां थैले में से निकाली साथ ही एक्स्ट्रा में एक चीज़ आई थी वो थी सर्फ की पैकेट क्योंकि जाने से पहले मैंने सारी ही चीज़ें मंगा ली थी ग्रॉसरी की मेरी लेकिन सर्फ जो है ना उस टाइम पे मेरे पास था और आने के बाद बहुत सारे कपड़े धुले थे तो सर्फ खत्म हो गया बीच में तो आज मैंने मंगा लिया सब्जियाँ थैले में से निकाल के अभी तुरंत मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है कि शाम तक ना सारी सब्जियां जो है पानी अच्छी से सूख जाएगा तो फिर मैं फ्रिज में लगा दूंगी और आज का मौसम भी जो है ना ठंडा है मतलब बारिश हो रही है सुबह से तो धूप बिल्कुल भी नहीं है और काम करते करते बीच में ही जो है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी और आज ना लाल पत्ती वाली सब्जी बनाई थी सरसों के तेल में बस जीरा डाल करके हरी मिर्च अदरक डाला था तड़के में ही और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और सब्जी छोंक दी कोई भी एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं डाला मैं धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ जो भी पत्तेदार सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें और सब्जी बन गई दूसरी तरफ मैंने चावल भी बना लिया था और चावल का पानी या दाल का पानी जो भी रहता है ना वो मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ ऐसे फेंकती नहीं हूँ और इससे क्या है प्लांट्स भी अच्छे ग्रो करते हैं ये भी मैंने जो है ना कहीं पे देखा था या मुझे किसी ने बताया था आई थिंक मुझे याद नहीं है पहले तो मैं फेंकती ही थी लेकिन जब से मुझे पता चला तब से मैंने बंद कर दिया तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाल ली है और सब्जी में जो है ना आज आया है गाजर और ग्वार की फली परवल साथ में आलू टमाटर हरी मिर्च नींबू अदरक चुलाई का साग और लाल साग तो लाल साग और चुलाई का साग जो था ना एकदम ताज़ा ताज़ा था तो जो भी पत्तेदार सब्जियां रहती है वह उसको मैं दो तीन दिन में ही बना के ख़त्म कर देती हूँ मतलब ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ फ्रिज में और दो लोग हैं हम मैं और आयन के पापा हम दोनों ही खाते हैं बस आयन तो बिल्कुल भी ये सारी सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करता है अगर आप उसे पीस पास के कोई सब्जी ऐसी खिला दें तो बात अलग की है जैसे कि पराठे में बना डाल के बना दिया जैसे या फिर किसी और तरीके से तो बात अलग की है अदरवाइज़ उसके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊँगा वो सब्जी नहीं खाऊंगा तो बच्चों के साथ यही रहता है और हाँ साथ में गोभी भी आई थी और फल में आया था सेब अनार साथ में लेकर करके आए थे आम तो आम कच्चे ही थे सारे पके हुए नहीं थे ये बोले तो मैं चार ही आम लेकर के आया और अयन के फेवरेट है ये तो अयन ही खाने वाला है क्योंकि बच्चों के ना मुझे लगता है सभी के आम बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये लंगड़ा आम है इसे मालदी आम भी कहते हैं हमारे बंगाल में तो ये लेकर के आए थे और आज का मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा हो रखा है आप देख सकते हैं नीचे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई देती है पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है बट रियल में ये बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम मैं जब उठ के आती हूँ ना तो सबसे पहले स्लाइडर खोलती हूँ थोड़ी देर बालकनी में दो चार पाँच मिनट तो मैं ज़रूर देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी लगती है और अभी जो गर्मी पड़ी है लास्ट पंद्रह बीस दिन पहले मुझे लगता है कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे गर्मी नहीं पड़ी होगी हर जगह भयंकर गर्मी और अभी भी जो है ना नॉर्थ साइड में तो बहुत गर्मी है लेकिन हाँ पुणे में अब बहुत हद तक राहत हो गई है हालांकि इस बार तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ी थी तो चावल बन गया था उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था घी और घी डालने से क्या चावल का टेस्ट जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी रहती है तो चलिए आज का जो लंच थाली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज क्या क्या है लंच में बहुत ही सिंपल है बट बहुत टेस्टी था लाल पत्ती वाली सब्जी साथ में थे करेले जो कि मैंने रात में बनाए थे ये मसाले वाले करेले हैं कुछ अलग तरीके से बनाई हूँ मैं इस बार करेले ये भी बहुत टेस्टी बने थे और सैलेड में काटा है प्याज और साथ में रख दिए छोले तो छोले ना थोड़े गाढ़े हो गए थे सुबह के बने हुए थे तो इस वजह से मैंने इसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया और चावल किसी को रोटी नहीं खाना था सबको आज जो है ना चावल ही खाने की इच्छा थी तो बस मैंने पत्ती वाली सब्जी के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है तो मैंने वही बनाया था तो गाइज़ अभी हो रहा है शाम के साढ़े छः बजे का टाइम और साढ़े छः पौने सात ही बज रहा होगा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं और एन के पापा हम दोनों नीचे वॉक करने के लिए आ रहे थे तो एन बोला स्टेशनरी शॉप से मुझे एक दो चीज़ चाहिए वो आप लोग ला दो तो बस उसकी टीचर ने मंगवाया था आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेब्रिक कलर पता नहीं क्या अम्बरेला वगैरह कलर करवाएगी इसके लिए उसे चाहिए था और साथ ही उसे ट्राईमेक्स की रिफिल चाहिए थी ये रिफ़िल तो मैं बहुत उसे ला ला करके देती हूँ आपके बच्चे कौन सा पेन यूज़ करते हैं आई के स्कूल में ना ये ट्राइमैक्स ही चलता है जेल पेन और जेल पेन की जो रिफ़िल होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी होती है हम लोगों के टाइम पे तो मुझे याद है मैं जो है ना सेलो पेन से लिखती थी और इसकी रिफ़िल ना अच्छे टाइम चलती भी थी लेकिन अब जैसा टाइम आ गया है और जैसी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ही फुलफिल करके देनी पड़ती है तो बस मौसम अच्छा था थोड़ा घूमना भी हो गया और उसके लिए जो चाहिए था वो भी मैंने ले लिया है और पास की शॉप थी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अभी जो है ना चीज़ें अवेलेबल नहीं थी धीरे धीरे भैया कह रहे थे कि सारी ही चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ये अभी ना नई ही दुकान यहाँ पे खुली थी बहुत सारी चीज़ें थी भी आप देख सकते हैं और फिनाइल वगैरह भी रखा हुआ था डिटॉल भी रखा था पता नहीं क्यों ना शायद बेचने के लिए ही रखा हो तो बस हम लोग जो है ना लेकर के अब निकल गए हैं घर की तरफ और शाम का टाइम जो होता है ना वो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा लगता है अगर मौसम ठंडा हो तो गर्मी के मौसम में तो कहीं भी निकलने का मन नहीं करता है और आज ना बादल इतना प्यारा लग रहा था देखने में आप देख सकते एकदम तो टुकड़ा टुकड़ा और अभी का जो वेदर था वो भी बहुत मस्त वाला हो रखा था और इस टाइम पे वॉक कर लो ना आधी पौन घंटे तो काफ़ी रिलैक्स रहता है और ये जो व्यू है ना ये हमारी सोसाइटी के बैक साइड का है सुबह और शाम मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ मुझे यहाँ का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है और जो पहाड़ है ना वो तो बहुत ही गजब का लगता है ऐसा लगता है जैसे कि एकदम बादल से टच होता हुआ हो तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है मारवाड़ी के घर में जो है ना आपको मंगोड़ी जो है ना ऑल टाइम मिलेगी जैसे कि गट्टे की सब्ज़ी लोगों की फेवरेट होती है उसी तरीके से ना ये मंगोड़ी की भी बहुत लोगों की फेवरेट सब्ज़ी है हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है पर्सनली मेरे हस्बैंड को ये सब्जी बहुत पसंद है तो वो ना जब भी कहीं बाहर जाते हैं मतलब पुणे में तो अच्छी नहीं मिलती है तो वहां से ले ही लेते हैं जैसे कि अभी हम लोग कैलकटा गए थे तो ये बोले ले लो यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी और मैं आपको तोड़ के दिखाई तो देखिए एकदम आराम से टूट रही थी इसका मतलब कि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है मतलब इसमें कोई और दाल या कुछ मिक्स किया हुआ नहीं है और इसे मैंने हल्का सा बेलन से क्रश कर लिया था तो मैं बना रही हूँ कुकर में ये सब्ज़ी सरसों का तेल डाल दिया उसमें डाला जीरा थोड़ा सा जब जीरा चटक गया उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मंगोड़ी फ्लेम को मैंने लो ही रखा है आपको लो फ्लेम पे ही मंगोड़ी को सेकना है तब तक जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती है जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज प्याज को हल्का सा भून लूँगी फिर डाल दूँगी आलू और मैं ज़्यादातर जो सब्जियां बनाती हूँ सरसों के तेल में बनाती हूँ जिससे कि सब्जी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है चरचरी बनती है सब्जी मीठी मीठी सी नहीं लगती है खाने में और यहाँ पे देखिए अब आलू डालने के बाद में फिर मैं इसमें ना डालूंगी टमाटर हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट टमाटर मैं इसी तरीके से डालती हूँ अगर कट करके डालती हूँ ना तो फिर आयन निकाल देता है वो नहीं खाता है टमाटर उसे नहीं पसंद आती है सब्जी में टमाटर अगर बीच में उसके मुँह में आते हैं तो तो मैं ज़्यादातर सब्जियों में ना इसी तरीके से पेस्ट बना के डालती हूँ तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसका पेस्ट डाल दूँगी और उसके बाद इसमें जाएगा बेसिक सा मसाला मसाले में मैंने इसमें डालना है अभी हल्दी पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर लिया है नमक लिया है और यहाँ पर सब्जी का मसाला डाला है ये सारे मसाले जो है एकदम बेसिक से हैं और सारे मसाले को डालने के बाद सब्जी को एकदम अच्छी से भूनूंगी मसाले के साथ में और जब तक इसका तेल नहीं रिलीज हो जाता है उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी अपने अकॉर्डिंग गर्म पानी का यूज़ करूंगी ताकि उबाल जल्दी से आ जाए और बस एक सीटी लगाऊंगी तो ये सब्जी की जो रेसिपी है ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा और मैं किस तरीके से बनाती वो मैं आज आपके साथ शेयर की हूँ तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्जी बन जाएगी फिर मैं रोटियाँ सेक लूंगी तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक